हाय दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तैयारी से फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। लगातार इसमें आपको वीडियो मिल रही है और आगे भी मिलता रहेगा। दो लेक्चर में आपने देखा कि त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन कैसा है, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं और कितने प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनको आपने बहुत विधिवत ढंग से समझा है। कहता हूं कि मैं कोई भी क्लास हूं, अगर उसको समझना है तो पिछला क्लास आप रिकॉल करके आइए, उसको रिविजन करके आइए, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। बात समझ में आया? आप अपना नोट्स बनाए होंगे, अपना रफ बनाए होंगे, उसको एक बार ऐसे नॉर्मली फास्टली उसको पलट कर देख लीजिए अगर कोई अगला लेक्चर आप अटेंड करने जा रहे हैं। चलिए आज हम लोग टॉपिक लगाए हैं त्रिकोणमिति एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, है ना। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक मैंने खोल के रखा है पूरी, है ना। देखो यहाँ एनसीईआरटी बुक है 8.1, क्या मैं दिखा दे रहा है, देखो 8.1 है ना, यही 8.1 यही है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अपने पोडियम पे रख लेगा, सामने से मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप पेन लेके आप बैठेंगे, आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। चलिए जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहला मान ज्ञात करिए क्या, साइन ए, क्या चीज साइन ए, और क्या क्वेश्चन पहला है ना, क्वेश्चन पहला आंसर कराने जा रहे साइन ए और क्या कॉस ए, है ना, साइन ए और कॉस ए। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है क्या साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। ये तो हम कह सकते हैं मैथ का मजाक है, क्या है मैथ का मजाक है। वास्तव में अगर आपने पिछला लेक्चर अगर सही से अटेंड किया होगा तो ये क्वेश्चन में इतनी दम नहीं है कि आपको रोक ले। फिर से सुनिए, वो कह रहा कि ट्रायंगल एबीसी है, अब जिस सीक्वेंस में कहेगा उसी सीक्वेंस में हम लोग मानेंगे क्या ट्रायंगल एबीसी, यहां ए है और फिर कह रहा जो बी है वो क्या है संपूर्ण है, वीडियो से याद है बी क्या है संपूर्ण है ना, यानी कि बी क्या 90 डिग्री का एंगल जो है वहां पे कौन पॉइंट है बी है, उसका जो बचा उसको क्या कर देंगे सी। और हम लोग जानते कल सीखे थे अगर आप थीटा, अभी थीटा को मत लीजिए, पहले आप कर्ण को फिक्स कर लीजिए, आपका हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण, ठीक है कर्ण है और इसमें भुजा का भी मान दे रखा है, एबी का मान जो दिया है, एबी का मान उसने जो दिया है वो कितना दिया है 24 दिया है, क्या दिया है 24, और ए बीसी का मान, इसका आधार का मान, बीसी का मान आधार दे चलेंगे थीटा को फिक्स नहीं किया, बीसी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। आपने पाइथागोरस, अब आपको एसी का मान नहीं पता है, आपने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा होगा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। छोटी सी कहानी आपको दिखाना है, अगर देखना चाहेंगे, देखिए अगर मान लीजिए यह एक संपूर्ण त्रिभुज है, पाइथागोरस ने क्या कहा था, ये मान लीजिए पी है, यह क्यू है और ये क्या है आर है, यहां संपूर्ण 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस ने कहा था अगर ये तीन का है तो ये तीन, ये चार का है और तीन का है और ये कितने का है 5 का, तो कहा कि संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के क्या होगा बराबर होगा। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, देखिए कैसे, देखिए यहां हो गया, अब यहां 5 का वर्ग बनाइएगा, प्रैक्टिकल करेंगे और मजा आएगा, 5 5 और ये भी क्या 5, एक और हो गया 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी, और इसको मिला लीजिए यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, है ना, एकदम आराम से मेरे साथ आप कलम और कॉपी ऐसे आप भी करते चलिए तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा ना बेटो। अब देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 इसको मिला लो यहां टीचू 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 टीचू,
हो गया ना। इसमें देखो तुम कितना वर्ग होगा, 5 × 25 भुजा स्क्वायर, 5 × 5 कितना जाएगा 25। अभी मैं इस क्वेश्चन को दरकिनार करिए, पहले आप बेस को समझिए कि क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, है ना। मुझको रटवाना नहीं है, मैं रटवाने में ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अगर आप सारे तरीके से पढ़ेंगे तो मैं बताऊं आप यूपी बोर्ड को टॉप करके आएंगे, गारंटी इस बात की है, लगे रहिए बस मेरे से, है ना। ये 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे भी वही कहानी करेंगे, यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग क्रिएट करेंगे और 1 2 3 बिगड़ी मशीन, है ना, तुम्हारी नहीं तुम्हारे दुश्मन की, 1 2 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3। अब इसको यहां से मिला दिए, हो गया नॉट, है ना। और यहां 4 सेमी का ए भी है और 4 सेमी का ए भी है, 4 सेमी का यह भी है और 4 सेमी का यह भी है। अब इसको ऐसे मिला दो, मिला दिए। अब एक एक सेमी का यहां पे क्या करो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो। अब तुम काउंट करो पाइथागोरस का प्रमेय क्या सही है क्या गलत है। अब देखो 5 × 25 और 3 × 3 भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का होता है भुजा स्क्वायर का ना, 3 × 3 कितना आ जाएगा 9 और यहां 4 × 4 कितना आ जाएगा 16, 16 × 9 कितना हो गया 25, है ना। कर्ण पर बना वर्ग यानी कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बना वर्ग योगफल के बराबर है, नहीं। कर्ण पर बना वर्ग क्या है 25 है, इधर क्या है 16 और 9 क्या हो गया 25 बराबर क्या 25, LHS बराबर क्या RHS, यही क्या है पाइथागोरस का क्या है प्रमेय है। बात समझ में आया आया कि नहीं। पाइथागोरस ने क्या कहा कि किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में, इधर आना दिखा दे रहा इधर, किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस ने कहा, निशात लिखो, किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में, संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों की योग, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होगा, योगफल के बराबर होगा, यही कहानी है, हाँ यही कहानी है। और लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हो पता नहीं क्या कि कर्ण पर वर्ग, ये तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल है, ये तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल किया जाएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, बस इस ट्रैक पे बने रहिए आप, है ना। ये देखो तुम्हारे सामने है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल क्या होता है बराबर होता है, यहाँ तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं थोड़ा हट रहा हूँ, तुम इसके साथ ले लो इसका, स्पेशली इसको लिख लेना, ऐसे बना लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, तरफ देखना एक मिनट, मैं इसको यूज कर रहा हूँ ना। अब देखो वही कहानी कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे, अब यह कर्ण है, कर्ण का वैल्यू नहीं दिया, लेटेस्ट कंसिडर कर्ण का वैल्यू क्या है एक्स, कुछ भी मान लो एक्स मान लो, ठीक है, चाहे ऐसे ही हम लोग मान लो के है, कर्ण का के है। चल भाई अब यहाँ पे हम जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो यहां माने थीटा को हम यहां रख दिए, थीटा यहां रख दिए, आधार हो गया और एक हो गया लंब हो गया, तो आधार का वर्ग लंब का वर्ग 7 का वर्ग और लंब का मान कितना आ जाएगा 24, क्लियर है। अब यहां हो जाएगा क्या कर्ण का वर्ग बराबर क्या 7 × 49, है ना, और 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 24 × 24 कर लीजिए 4 × 16, 4 × 9 8 × 9, फिर यहां वही चीज, यहां 9 हो जाएगा कि नहीं, ना एक नहीं सॉरी 2 है ना, 4 × 8 और 2 × 4 यहां कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा और 17 हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 576 कितना आ जाएगा 576, क्लियर है, सॉरी यहां 6 आएगा 576। चलो कर्ण का वर्ग यहाँ 6 9 क्या 15 के 5 और 7 4 11 12
अब 5 एक क्या 625 होता है कि नहीं। अब यह देखो जो 625 है वो किसका 25 का स्क्वायर है, या तुम स्क्वायर को स्क्वायर से काट दो, स्क्वायर को स्क्वायर से काट दो, और वास्तव में करता नहीं है, यहाँ 1/2 है। सुन ले क्या है कहानी क्या है, अरे को समझ नहीं आ रही है ना, जो इसको लिखोगे इधर घात क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, इससे क्या आएगा कैंसिल। लेकिन हम नॉर्मली इसको समझने के लिए दूसरे दुख को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं कि कमान कितना आ गया 25। अब कहेंगे गुरुजी हमारे गुरुजी बताए हैं कि कर्णी लगा देते हैं, ले भाई वो आप सब तुम देखो। देखो यह हो गया, याद तुम नोट कर लो पहले। अब मैं इसको मिटा के दूसरी कहानी लेते हैं, इधर बगल में आ रहा है, दूसरी कहानी बताने जा रहा है। यहाँ केस स्क्वायर हटेगा, अगर जब कहीं से भी स्क्वायर हटा के स्क्वायर बना क्या 625 और 625 पे एक की घात हो गई कि नहीं, एक की घात हो गई, और यह इधर जाएगा तो यही कर्ण क्या यह घात इस पे 625 में 1/2 की क्या लग जाएगी, घात लग जाएगी, और 1/2 को हम दो दो मूल वाली कर्णी करते हैं। अगर x पे यहाँ है ना, अगर यहाँ 1 है तो यह कर्णी को ब्रेक करोगे तो क्या x पे 1/n, तो यहाँ अगर मान लो कुछ नहीं होता है 2 होता है अगर, तो 1/2 क्या लग जाता है 2, और दो मूल को हम दिखाते नॉर्मली दिखाते नहीं है, इसे समान कर्णी बोलते हैं। आई बात समझे, हाँ जिंदगी भर लेकिन कंफ्यूजन घूमना मत, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना 625, अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 25/25 कहते हैं दो अंक पे एकदम क्या बाहर, यो कहते हैं। और इसको भी तुम ऐसे कर सकते हो क्या 25/2 और 2 मूल से 2 मूल क्या हो जाएगा कैंसिल के बराबर क्या आ जाएगा 25। आई बात समझ में, दोनों तरीके से तुम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। चल भाई अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस ट्रायंगल के सारे साइडों का मान निकल गया, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन बहुत लाजवाब तरीके से, समझ आई बात, भले ही टाइम कितना हुए लग जाए लेकिन फास्टली के देखो सफलता का कोई शॉर्टेज नहीं होता। अगर एक सवाल को तुम कॉन्सेप्ट देखो, मेथड को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, सवाल के डाटा को मत रटो। ये पहला सवाल गुरुजी ने ऐसे बताया, देखते मैंने कई लड़कों और लड़कियों को देखा न्यूमेरिकल रटते, अरे जो न्यूमेरिकल रटे वो महामूर्ख है, न्यूमेरिकल को कभी, इसीलिए फिजिक्स और मैथ उन्हीं को आता है जो उस पर क्या कहते हैं। अगर मैं एक किंवदंती बोलूं, अगर मैथ कार है ना, अगर फिजिक्स कार है तो मैथ उसका क्या है, फ्यूल है, कार के बिना फ्यूल नहीं और फ्यूल के बिना कार नहीं, समझे, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, समझ आई बात। इसलिए अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग रहेगा फिजिक्स भी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। खैर हमारे चैनल पे दोनों वीडियो आपको मिलेंगे, आप देखते रहिए। आइए यह हो गया यार, इसको आप इससे साथ ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा और इस सवाल को समझाऊंगा, चलो ठीक है। आ जाओ देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां तुम्हारा इसका मान निकल गया, एबी का मान निकल गया, बीसी का मान निकल गया, अब एसी का मान निकल गया। अब यह कह रहा कि साइन ए, अब यहां साइन ए, ए क्या बता रहा है, कल ये आपने कहानी पढ़ा था क्या, अरे साइन क्या फिर क्या कास, जो कल पढ़ा हुआ उसको पता होगा साइन कास टैन, है ना, याद आ रहा है, अरे वीडियो देखा हुआ जान रहा हुआ है ना, साइन कास टैन, और यहाँ क्या कोसेक सेक का, अभी भी इनकी जिंदगी क्या है अधूरी है, इनके सामने इनको पूरा नहीं किया है ना, इनकी जिंदगी अभी भी क्या है अधूरी है, जब तक क्या नहीं लगेगा यह त्रिकोणमिति अनुपात तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक इनमें थीटा का क्या भाव नहीं सम्मिलित होगा, जब तक थीटा नहीं सम्मिलित होगा। मैंने बताया था ना कि त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, और वह किसके रिस्पेक्ट में दिखा देता है थीटा के, किसके रिस्पेक्ट में थीटा, यहाँ थीटा लगाना क्या है बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार में जिस प्रकार सब्जी में नमक, ये सब्जी का नमक देख, ये लाल बट्टे क्या जाएगा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, मैंने बताया था कि लंब को यल से, आधार को ए से, कर्ण को के से दिखाएंगे, तुमको पता होगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बताया था कि आधार बदल सकता है लंब में, लंब बदल सकता है किसमें, आधार में, ये बात तुमको क्लियर थी। देखो साइन का साइन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, और सेक थीटा बराबर क्या कर्ण बट्टे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। इतनी कहानी सबको समझ में आई, मैं इसके फिर से बता रहा हूँ,
मान लीजिए कोई फ्रेशर बच्चा आया हो मेरे चैनल पे, वो मेरी एक भी वीडियो ना देखा हो, पहली वीडियो देख रहा हो, तो मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं जीरो से हीरो बनाऊं, ठीक है। और लेकिन हाँ, जब मैं कोई भी सेशन स्टार्ट करता हूँ, कोई स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तो उसका फाउंडेशन देता हूँ, एक दो लेक्चर मेरा उसका फाउंडेशन रहता है। इसीलिए अगर कोई बिल्डिंग डेवलप करनी है तो पहले फाउंडेशन उसका बहुत तगड़ा होना चाहिए। इसीलिए आप पहला पिछला लेक्चर देख कर आइए और मजा आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर जब यह कह रहा ए, ए क्या है थीटा, ए क्या है थीटा, तो अगर जब तुम थीटा यहां रखे अभी फिलहाल के लिए, जब थीटा तुम यहां रखे तो यह हो गया लंब, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंज होगा क्या, लंब और आधार। ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और इस समय के लिए क्या बन गया, आधार बन गया। तो यहां हो जाएगा क्या, पहला सवाल का आंसर ये रहा, आपको एक करोड़ मिला। देखे नहीं हो कौन बनेगा करोड़पति, या तुम करोड़पति बनने जा रहे हो, है ना, करोड़पति हो नहीं बन पाओगे पढ़ोगे नहीं तो, है ना। देखो साइन ए, साइन ए बराबर क्या, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टे कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा क्या, लंब, यहां लिखेंगे क्या, बीसी बट्टे क्या, एसी, बीसी का मान क्या, सात बट्टे क्या, सात बट्टे पच्चीस, यही परम सत्य क्या है, आंसर है। खोल के एनसीईआरटी मिला के देखना, आंसर जरूर आया, गारंटी इस बात की। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल कहेगा ये तो बड़ा भौकाली है, इतना सवाल आपके लिए टाइप कर रहा है, नहीं आ जाओ। कास ए, कास ए बराबर देख क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, काश क्या बराबर क्या, आधार बट्टा कर्ण, तुमको लिस्ट याद होनी चाहिए, है ना, बहुत आसान है, मैंने बताया था साइन कास्ट है, कोशक से का, लाल बट्टे कक्का से पूरा पूरा बार, तुमको बताया था कि नहीं, तुम हिंदी मीडियम वाले हो तो तुम कर्ण को किससे दिखाओगे, के से, आधार को किससे दिखाओगे, ए से, लंब को किससे दिखाओगे, यल से, वही अंग्रेजी में होते तो क्या, कर्ण को हाइपोटेनस, बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है, इसको तुम परपेंडिकुलर बोलते हैं, समझे, आई बात समझ रहे, ठीक है। कास ए, अब कास ए यही से, कास ए बराबर क्या जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान कितना है, अब रखते हैं क्या, ए बी बट्टे क्या, ए सी, ए बी बट्टे क्या, ए सी, यहाँ हो जाएगा चौबीस बट्टे पच्चीस, ये क्या परम सत्य आंसर है। अब पहला क्वेश्चन इसका कवर हो गया, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कह रहा है, जब दूसरा कहेगा तो थीटा यहां नहीं रहेगा, अब यहां पर इसी साथ पहले ले लीजिए, पहले 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 के लिए, दूसरे के लिए हम थीटा को चेंज करेंगे, दूसरा फिगर नहीं बनाएंगे, इसी में चेंज करने जा रहा हूं, इसलिए विधवत आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, थैंक यू। अब देखो, अब थीटा हम लोग कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे, तो कहेंगे क्यों, क्योंकि यहां क्या दे रखा है, सी दे रखा है, जहां देगा साइन थीटा का थीटा, ये क्या सी मतलब थीटा है, समझे, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और लंब को किसे दिखाएंगे, हिंदी मीडियम वाले, एल से, और जिसपे थीटा टिका हो वो क्या है, आधार, और आधार को किससे दिखाएंगे, किससे, ए से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान क्या हो गया, ए बी बटे ए सी, ए बी का मान 24 और कर्ण का मान कितना 25, यही परम सत्य का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा क्या, कास सी, कासी, कासी का अगर वैल्यू निकालना है तो यहां थीटा यहां है तुम्हारा, ठीक है, तो कास बराबर का आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान कितना है बीसी और कर्ण का मान कितना है एसी, बीसी का मान 7 और एसी का मान क्या 25, ये क्या परम सत्य आंसर है। यहां तक आप इसके साथ ले लीजिए, फिर से आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बताएंगे, और कहने का मतलब है टाइम भले ही लगे आपको, वीडियो भले ही लेंगी लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचना चाहिए। आप जरूर कमेंट करें कैसा फीडबैक रहा, कैसा मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मेरे टीचिंग स्टाइल में कमी है, क्या विशेषता है, सब बताइए, आपका हमेशा मिलेगा, और गारंटी इस बात की कंटेंट आपको ए ग्रेड का मिलेगा। थैंक यू।